कद्दू की तो आपने बहुत सारे तरीके की सब्जियां बनाई होंगी, लेकिन जो हलवाई वाली कद्दू की सब्जी होती है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही खुशबू होती है। ऐसा क्या डालते हैं हलवाई जिसकी वजह से उनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है? तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू की एकदम हलवाइयों वाले टेस्ट के साथ ये रेसिपी, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं कच्चे आम। और इस रेसिपी को देखने के बाद से आपको इतनी हैरानी होगी कि इतना आसान है इसे बनाना, आप इसे घर पर बना सकते हैं एकदम हलवाई वाले टेस्ट के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए इन दोनों रेसिपीज को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कद्दू लिए हैं और ये लगभग 1 किलो के आसपास मैंने लिए हैं। इनके मैंने छिलके हटा लिए हैं और इनको मैं एक बोल में डाल दूंगी अच्छे से छील कर काट कर। आप चाहें तो छिलके के साथ में भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके जो पीसेज मैंने किए हैं बहुत ही छोटे छोटे किए हैं और थोड़े पतले साइज़ में किए हैं, लगभग 1 इंच जितना लंबाई किया है मैंने और बहुत ही पतला। तो इतना ही हमें इसको काटना है। चलिए अब इसमें जो मेन और एकदम सीक्रेट चीज़ है ना, वो है आम। तो यहाँ पर कच्चा आम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आम बहुत ज़्यादा खट्टा है, ऐसे ही आम का हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जो कच्चा आम हो वो ज़्यादा मीठा ना हो तो आप थोड़े से आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कच्चे आम को अच्छे से छील लिया है मैंने, अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ मैं मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो कच्चे आम को बारीक बारीक काट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गुठली बच गई है ना, इसको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, इसको आप दाल बनाते समय इस्तेमाल कीजिए, दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इस गुठली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाल बनाने में। चलिए अब हमारा जो आम है वो अच्छे से ग्रेट हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं साइड में। और इसमें हमारा जो तीसरा इन्ग्रीडियंट है वो है हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच के आसपास बारीक कटे हरे धनिए के पत्ते लिए हैं और सिर्फ पत्ते का ही इस्तेमाल किया है। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हैं, इनको पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है और इसमें डाल देंगे लगभग 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तेल अच्छे से गर्म होने दें और उसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे, तो कोई भी मोटी या बारीक कोई से भी ले सकते हैं सौंफ। अब यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ी सी कलौंजी, और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर है तो आपके पास ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू बढ़ जाती है। थोड़ी सी हींग भी आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को भून लीजिए एकदम हल्का सा गोल्डन होने तक। और अब डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च, तो तीखा आपको इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको तीखा भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनती है वो तीखी मीठी और चटपटी बनती है, इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। मिर्च को थोड़ी देर भून लीजिए और उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते, थोड़े से ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस पूरी सब्ज़ी में, एक बार में पूरा धनिया नहीं डालना है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लीजिए ताकि जो धनिए का कलर है वो ख़राब ना हो, और बिल्कुल हल्का सा इनको भूनना है थोड़ी देर। जैसे धनिया हमारे हल्के से भून जाएंगे ना, इसमें हम डाल देंगे ये हमारे कद्दू जो हमने काट कर तैयार किए हैं। तो ये पूरा 1 किलो के आसपास मैंने कद्दू लिए हैं, तो इसी हिसाब से आप सारी चीज़ें इसमें डालिएगा। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, तो नमक अभी आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इस सब्ज़ी में नमक हमें थोड़ा ही डालना होता है, इसे हम मीठा चटपटा और तीखा बनाने वाले हैं, इसलिए नमक थोड़ा ही डालेंगे। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो तड़का है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम ढक्कन लगाकर इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि जो कद्दू है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो लगभग 3-4 मिनट इनको पका लेंगे धीमी आंच पे। और आइए चेक करते हैं, ये देखिए कद्दू हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो अब इनको एक बार चला लेते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, ताकि कलर अच्छा आएगा। अब डाल देंगे किचन किंग मसाला 1 टीस्पून के आसपास, थोड़ी सी हल्दी लगभग 1/4 छोटी चम्मच, और अब डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून के आसपास। ये घर की कसूरी मेथी बनाई हुई है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद अब डाल देंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ आम। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच ये कद्दूकस किए हुए आम डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अब इनको मिक्स करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कच्चे आम अवेलेबल नहीं हो तो आप अमचूर का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं 2 छोटी चम्मच, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा वैसा ही लगेगा, लेकिन अगर कच्चे आम अवेलेबल हो तो कच्चे आम ही डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है और अब डाल देंगे इसमें गुड़। तो गुड़ मैंने 1 किलो कद्दू के साथ 1/2 कप के आसपास लिया है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है।
दो चम्मच के आसपास पानी डालेंगे और अब इनको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो गुड़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाए। गुड़ के बजाय आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा ना करें। देख सकते हैं बढ़िया से मिला लिया है, काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है और जैसे जैसे ये पकते जाएगा इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होती तब तक हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। देख सकते हैं बढ़िया से मिक्स हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो सके और हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी लटपटी चटपटी सी बने। अब इसमें वापस से हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते और इसको फिर से मिला लेंगे अच्छे से। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आप चाहें तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उन सारी चीज़ों को कद्दू के साथ मिलाइए और कुकर में डालकर 2 सीटी लगा सकते हैं जिससे कि आराम से कुक हो जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ढक्कन लगा देते हैं, 2-3 मिनट इनको पकने देंगे और ये देखिए हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी होने वाली है। और देख सकते हैं ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर तक आ गए हैं और जो कद्दू है वो अच्छी तरीके से नरम हो गए हैं। तो अब इसमें वापस से हम डाल देंगे बचा हुआ हरा धनिए के पत्ते, तो ये लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास मेरे पास बच गया है, वो मैं इसमें पूरा ऐड कर लूँगी। इसके साथ इसमें डाल देंगे थोड़े से साबुत धनिया जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, इसको ज़रूर डालिएगा। जो धनिया हमने इसमें ऐड किया ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से ये आता है इसमें। तो अच्छी तरीके से इनको मिक्स कीजिए और थोड़ी देर इनको ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये देखिए हमारी कद्दू की बहुत ही मज़ेदार सी हलवाइयों वाली सब्ज़ी तैयार है। आप इसका टेस्ट एक बार चखने के बाद ना भूल नहीं पाएंगे, इतनी मज़ेदार इसका टेस्ट है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है, एकदम चटपटी तीखी और एकदम मसालेदार सी हमारी कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। इस सब्ज़ी को बनाना भी बहुत ईजी है, सारी चीज़ों की सामग्री के लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो इसे आप पूरी पराठे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए। चलिए अब दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में डालूंगी मैं ग्राउंड नट यानी मूंगफली के दाने लगभग 1 बड़ा चम्मच, 1 टीस्पून के आसपास डाल देंगे सीसमें सीड यानी सफ़ेद तिल और इन दोनों को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्ची, लाल मिर्च के बजाय चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून के आसपास साबुत धनिया के बीज, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब लिया है आधी छोटी चम्मच सौंफ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कढ़ाई में डालकर हम रोस्ट करेंगे, इनमें तेल वगैरह कुछ भी अभी ऐड नहीं करेंगे। बढ़िया से जैसे ये क्रिस्पी से हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। तो मैंने 1 छोटा सा प्याज लिया था जिसको इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है और इन्हें भी हम इसके साथ ही पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, एकदम हल्के से पारदर्शी ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि इसको कुक होने में इजी हो जाएगा। तो ढक्कन लगा देते हैं 1-2 मिनट के लिए और आइए चेक करते हैं। देख सकते हैं प्याज हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं और सारे मसाले भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। इनको डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और इसके साथ इसमें थोड़े से लहसुन की कलियाँ लगभग 5 से 6, 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और चलिए अब हम इनको पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब मैंने वापस से उसी पैन को गर्म होने रख दिया है और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, तो मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है इसमें। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता, इनको अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कद्दू इस्तेमाल किया है लगभग 2 कप के आसपास, थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट करके। और इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो कद्दू है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए और हल्के से गोल्डन कलर इनके ऊपर ना आ जाए, तब तक हम इनको पकाएंगे। तो ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कद्दू हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और गोल्डन भी हो गए हैं। तो अब हमारा ये पेस्ट बनाया हुआ इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, लगभग 1 टेबलस्पून पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच और अब नमक स्वाद के हिसाब से। मसाले हमें इसमें और नहीं डालने हैं क्योंकि हमने सारी चीज़ें तैयार करके इसमें डाल दी है पेस्ट के फॉर्म में। और अब इन मसालों के साथ हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारे मसाले बढ़िया से कुक ना हो जाए, एक अच्छी वाली खुशबू ना आने लगे और ये तेल हल्का हल्का रिलीज ना कर दे। तो देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, ये कढ़ाई को छोड़ने लगे हैं और अच्छी वाली खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें डालेंगे दही, मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 3 बड़े चम्मच दही। आप दही की बजाय क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही को डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए बिल्कुल धीमी आँच पर। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके
थोड़ी देर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग 5 मिनट के लिए इनको कुक होने देंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी लगभग अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो ये दूसरे तरीके के कद्दू भी बनकर बिल्कुल तैयार है। भाई मुझे जो पसंद है वो पहले वाले जो कद्दू है ना, जो मैंने पहली वाली रेसिपी बनाई, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल हलवाई वाले कद्दू की सब्ज़ी की तरह आता है, जैसे हम शादियों और पार्टियों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जाकर ज़रूर से रेसिपी ट्राई कीजिए और आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। चलिए आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।